Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. Assalamu alaikum. Welcome to my kitchen. Aaj main bana rahi hu chicken club sandwich jo ki bahut hi maze ke bante hain aur bahut healthy hote hain bachcho ke liye especially. तो चलिए देख लेते हैं. चिकन क्लब सैंडविच बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए. ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने 6 अदद. टमाटोज लिए हैं मैंने थोड़े से स्लाइस. थोड़ी सी ये मैंने आइस लेटस पर जिसको मैंने कट कर लिया है. सलाद के पत्ते लिए हैं और खीरा लिया है. स्लाइस थिनली स्लाइस किए हैं. मोटे मोटे ना कीजिएगा वो ज़्यादा फिर बाहर निकलने लग जाते हैं. अंडे लिए हैं 2 अदद और 2 अदद मैंने लिए हैं स्लाइस चीज़ के. चिकन लिया है मैंने एक फुल ब्रेस्ट लिया है चिकन का और उसको मैंने सॉल्ट डाल के 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाल के उसको बॉईल कर लिया है. नमक डालने की वजह यह है कि इसमें नमक जो हम डाल के बॉईल करते हैं उसकी वजह से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है. कोलसला लिया है. इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी. क्लिक कीजिएगा और आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं. और मैंने एक पिंच लिया है वाइट ब्लैक पेपर और 1 पिंच लिया है मैंने ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है मायोनीज़ की. सबसे पहले हम चिकन में मायोनीज़ वाइट पेपर और ब्लैक पेपर डाल लेंगे. नमक मैंने ऑलरेडी डाल लिया है तो मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी. आप चाहें तो चिकन के जो क्यूब्स भी इसमें डाल सकते हैं. बॉयल हुए हुए मायोनीज़ डालेंगे. मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि एक पेस्ट सी शक्ल बन जाए. अब ये एक स्प्रेड की शक्ल बन गई है. अब इसको हम साइड पे कर लेंगे. सबसे पहले एक ब्रेड का पीस लेंगे. उसके ऊपर थोड़ी सी ये केचप ली है मैंने. थोड़ी सी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी. अपने चिकन लेके अच्छी तरह से फैला लेंगे. चिकन जितना आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. अब हम इसके ऊपर ये स्लाइस रखेंगे खीरे के. थोड़ी सी ये मैं इसके ऊपर आइस लेटस बर्फ की जो कटी हुई है वो रखूँगी. एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर केचप लगाएंगे. बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है ऐसे, सिर्फ हल्का सा टच देने के लिए. ऐसे केचप लगाऊंगी और इसको इसके ऊपर 1 टेबलस्पून लेके कोलसला का वो भी फैला लेंगे. वेजिटेबल बच्चे खाते नहीं हैं तो ऐसे इस शक्ल में हम बच्चों को वेजिटेबल खिला सकते हैं जो बहुत मूडी होते हैं वेजिटेबल खाने के मामले में. क्लब सैंडविच तो हर बच्चा शौक से खा लेता है.
अब एक टेबल स्पून लेके चिकन की इसको हम फैला लेंगे। आप चाहें तो कुकम्बर और जो है खीरा जो है उसको छोटा छोटे स्लाइस में भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर गिरा देते हैं। अब टमाटो के स्लाइस रखे हैं मैंने, एग रखूँगी। एक चीज़ का स्लाइस रखूँगी। सलाद का पत्ता ऐसे एक रख के ऊपर से एक पीस जो है वो फिर रखते हैं। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब मैं ये स्टिक लेके इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी ताकि ये अपनी शेप में रहे। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और बाकी के भी इसी तरह से बना के प्लेट में निकाल लेंगे। इसको ऐसे क्लीन फील रैप रख के इसको रैप भी कर सकते हैं। रैप किया हुआ आप बच्चों को लंच बॉक्स में रख के दे सकते हैं, ऑफिस में लेके जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आसानी से इसको लंच बॉक्स में ऐसे आप रख सकते हैं। आपको एक ये भी आइडिया दे दिया है, आप इसको ऐसे फ्रिज में इसको रख सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट सैंडविच तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। आप इसको बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं और टी पार्टीज होती हैं उनमें भी यूज़ किया जा सकता है इसको। आपको मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।